स्कोडा को इंडिया में आए पूरे 20 साल हो चुके हैं, और इन 20 सालों के अंदर स्कोडा कंपनी ने सेडान मार्केट के अंदर एक मिसाल कायम रखी है, मतलब मिसाल बना दी है। आज स्कोडा कंपनी के लाइनअप के अंदर 4 गाड़ी मौजूद हैं, जिसके अंदर 2 सेडान हैं और 2 SUV हैं। साल 2019 के अंदर कंपनी ने एक बड़ा बदलाव किया था अपनी कंपनी में, और एक नींव रखी थी इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में उसने अपनी पहली SUV निकाली थी, जो कि थी स्कोडा कोशाक। और इस गाड़ी के आते ही इंडिया के अंदर तहलका मच गया था, और 2021 में इस गाड़ी ने स्कोडा कंपनी के लिए गेम चेंजर का काम किया था। लेकिन स्कोडा कोशाक सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, और बदलाव की इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्कोडा कंपनी अगले गेम चेंजर के साथ तैयार है, जो कि है स्कोडा की स्लाविया, जो एक प्रीमियम सेडान है। स्कोडा के इस प्रीमियम सेडान को 95% तक इंडिया के अंदर ही बनाया गया, मतलब लोकल पार्ट्स को लेकर ही बनाया गया, मतलब मेड इन इंडिया कार है एक तरह से मान लो। और इस गाड़ी को स्कोडा कंपनी मार्च के अंदर लॉन्च करने वाली है, इसीलिए इसकी जो न्यूज़ है काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी वायरल भी है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि स्कोडा स्लाविया के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। वैसे मैंने इसके बारे में एक वीडियो और बनाई थी जब इसको कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, अब ऑफिशियली लॉन्च कर रही है कि लोगों के लिए भी हाँ खरीद लो। और इस वीडियो में यही बताऊंगा कि स्कोडा स्लाविया के कौन कौन से कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो को एंट्री देना, कहीं भी स्किप मत करना। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्कोडा स्लाविया एक मिड साइज सेडान है, जो कि प्रीमियम सेडान है जैसे मैंने आपको बताया। और ये गाड़ी सीधा सीधा टक्कर देगी होंडा की सिटी को, मारुति सुजुकी सियाज को और हुंडई वर्ना को। और आपको पता ही है ये तीनों गाड़ी इंडियन मार्केट में काफ़ी समय से बिक रही हैं, और SUV की जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इस पॉपुलैरिटी के अंदर सेडान का जो सेगमेंट है कहीं खो सा गया है। ऐसे में जो स्कोडा की स्लाविया है जो प्रीमियम सेडान की सेगमेंट है, एक नया जोश भर सकती है, और साथ ही कस्टमर्स को शोरूम की तरफ खींच सकती है, ऐसा कंपनी मान रही है, क्योंकि वो मान रही है कि ये गाड़ी उनके लिए गेम चेंजर हो सकती है, जैसे कि हुई थी स्कोडा कोशाक। इस नई सेडान को MQB A0 इन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये वही प्लेटफॉर्म है जिसपे स्कोडा ने अपनी कोशाक बनाई थी, जिसको कस्टमर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। स्कोडा स्लाविया 3 वेरिएंट कंपनी लॉन्च करेगी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी, उनमें से पहली है एक्टिव, दूसरी है एम्बिशन और तीसरी स्टाइल। स्कोडा जो नई गाड़ी निकाल रही है स्लाविया, ये स्कोडा की जो पॉपुलर गाड़ी थी ना रैपिड, उसी जगह लेगी जिससे कस्टमर ने कुछ ज़्यादा पसंद किया था, और आज भी बहुत लोग इसे प्रेफर करते हैं स्कोडा कंपनी की तरफ से। इंडियन कस्टमर के ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए स्कोडा कंपनी ने अपने प्रीमियम हैचबैक में कुछ नई चीज़ ऐड की हैं, और इसके साथ ही गाड़ी की लंबाई चौड़ाई और व्हील बेस पे काफ़ी ध्यान रखा है। और अगर मैं कंपेयर करूँ स्कोडा स्लाविया को इस हिसाब से, मतलब स्पेस और साइज़ के हिसाब से, और इसके कॉम्पिटिटर गाड़ी से, मतलब होंडा सिटी, सियाज और वर्ना से, तो इनके मुकाबले स्लाविया व्हील बेस के मामले में इन तीनों गाड़ी से आगे, यानी कि गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा और काफ़ी कंफर्टेबल भी होगी गाड़ी। स्लाविया के डिज़ाइन के मामले में किसी भी तरह से कोई भी ढील नहीं दी गई है, यानी कि स्कोडा सुपर्ब या ऑक्टिवा जैसा रखा गया है। गाड़ी के एक्सटीरियर लुक के लिए कंपनी ने ज़्यादातर क्रोम का इस्तेमाल किया है, और काफ़ी अट्रैक्टिव लाइटें दी गई हैं जो LED डेटा रनिंग लाइट के साथ खूबसूरती से ग्रिल में जाकर मिलती हैं। और अगर इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एक यूरोपियन गाड़ी है, और फिट एंड फिनिश के मामले में इस सेगमेंट के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी। स्कोडा कंपनी हमेशा से अपनी प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है, और उसकी नई गाड़ी भी हमें निराश नहीं करेगी। बाकी इसी वजह से स्कोडा स्लाविया बाकी गाड़ियों से एक कदम आगे निकल जाएगी, खासकर जो स्लाविया का डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, और इसके अंदर जो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं। इसमें सेगमेंट बेस्ट फीचर दिए गए, इसमें 3 अलग थीम के साथ दिया गया 8 इंच का नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल शामिल है। लंबे व्हील बेस का फायदा ये होता है कि जो पीछे वाला पैसेंजर है उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है, और 3 पैसेंजर आसानी से लंबा सफर तय कर सकते हैं। सीट और स्पेस के मामले में स्कोडा स्लाविया अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट गाड़ी है, फिर वह चाहे हेडरूम हो या लेगरूम हो। और अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूँ स्कोडा स्लाविया के, तो उसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर काफ़ी मिल जाते हैं। शायद ही आपको पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा कस्टमर मिलेगा जो स्कोडा कंपनी की गाड़ी को चलाता हो और उसके इंजन और ट्रांसमिशन की तारीफ न करता हो। मतलब यह है पूरी दुनिया के अंदर स्कोडा कंपनी अपने बेहतरीन पेट्रोल इंजन के लिए पॉपुलर है, इसीलिए स्लाविया के अंदर भी ऐसे 2 बेहतरीन पेट्रोल इंजन मिलेंगे आपको, और इस्तेमाल किया भी गया है कंपनी की तरफ से, जिसमें से पहला है 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI इंजन, जो कि 110 HP का पावर देता है और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TSI, जो कि 150 HP का पावर देता है और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और स्कोडा स्लाविया के दोनों इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ऑटोमेटिक की चार रखने वालों के 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स मिलते हैं। स्लाविया के साथ स्कोडा ने मिड साइज सेडान मार्केट के अंदर अपनी जो मोनोपोली है उस पर दावेदारी पेश कर दी है। अब कंपनी मार्च में इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले शायद इस पर स्टैंप भी लगा देगी, भैया हमारी इस पर मोनोपोली है। बाकी अब तो ये देखने वाली बात है कि इस पर मोहर लगा पाती है नहीं लगा पाती मिड साइज सेडान के मार्केट के अंदर, वो तो देखने वाली बात है। बाकी अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन रेगुलर से चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और अगर चाहो तो भैया जो लाल बटन दिख रहा है ना आपको उसे तोड़ो, तो कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो,
बाकी इस वीडियो इसी वित्त है, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लगी तो पता है अगर ना लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।